दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की शादी की खबरें जोरों शोरों से इंटरनेट पर छाई हुई हैं। दोनों हाल ही में साथ में कई बार नजर आ चुके हैं, कभी एयरपोर्ट तो कभी डिनर के लिए दोनों को काफी बार साथ में स्पॉट किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि राघव और परिणीति चोपड़ा कितना कमाते हैं, तो आइए इन सब के बारे में आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो आपको बता दें कि राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनके पास 37 लाख की प्रॉपर्टी है। वहीं परिणीति की बात करें तो उनकी एक महीने की सैलरी राघव की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। जी हाँ, रिपोर्टेडली परिणीति एक महीने में 40 लाख रुपए से ज्यादा कमाती हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग 60 करोड़ रुपए है। वहीं हर फिल्म के लिए एक्ट्रेस 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राघव चड्ढा के पास कोई घर या फिर जमीन नहीं है, जबकि परिणीति के पास मुंबई में एक आलीशान सी फेसिंग अपार्टमेंट है। वहीं दोनों रूमर्ड कपल्स की कार कलेक्शंस की अगर बात की जाए तो राघव चड्ढा के पास साल 2019 मॉडल की 13 लाख की मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है। वहीं परिणीति के पास ऑडी A6, जैगुआर XJL और ऑडी Q5 है। एक्ट्रेस ज्यादातर जैगुआर XJL में देखी जाती हैं और ये उनकी कार में से सबसे महंगी कार है।